इंदौर के बवरकुआ थाना क्षेत्र के व्यवस्थम भोलाराम उस्ताद मार्ग पर कल दिन दहाड़े स्वर्गीय पंडित जयप्रकाश वैष्णव के घर पर करीब 6 हथियारबंद बदमाशों ने पिस्टल और चाकू की नोक पर घर में मां, दोनों बेटी और नौकरानी को बंधक बनाने के बाद डकैती को अंजाम दिया था। बदमाश यहां करीब 20 मिनट से अधिक समय रुकने के बाद लाखों रुपए समेट कर फरार हो गए थे। पुलिस ने घटनास्थल से बदमाशों के फुटेज निकाले जिसमें मेन रोड तक जाते दिखाई दिए हैं। पुलिस ने बदमाशों के ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया है। वहीं पूरे मामले की जांच के लिए 3 थानों की करीब 8 टीमें लगाई गई है जो अपने स्तर पर सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं इसमें कई लोगों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है, साथ ही अन्य जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ पुलिस टीमें बदमाशों की तलाश में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में निकली गई। पुलिस का दावा है कि बदमाशों को वो जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कल थाना बावरका क्षेत्र में हुई घटना की जानकारी देने के लिए मेरे द्वारा 10,000 रुपये के पुरस्कार की उद्घोषणा की गई है। एडिशनल SP CSP के साथ में 3 थानों की टीम लगी हुई है। उम्मीद है हम बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। सर अभी तक कितने CCTV फुटेज पुलिस द्वारा खंगाले गए? अरे देखिए भाई, 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 देखिए भाई